हेलो भाई, मैं अरुण पवार। अभी हम खड़े हुए हैं इडरी गांव में अपने फार्म हाउस में। ये मैं हूँ, ये मेरे मामा का है, वो भी मामा का है। अपना अपना नाम बताइए गाइस एक बार। रवि सौरव। और आपका क्या नाम है? देव सौरव। ये भाई सौरव होते हैं, ये रहने वाले होडल के पास एक गांव पड़ता है गोड़ोता, वहाँ के रहने वाले हैं दोनों लड़के। अभी ये आए हैं यहाँ पे रहने के लिए कि अभी फार्म बन रहा है तो अब हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे घास लग जाएगी, कंस्ट्रक्शन वगैरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा चलेगा। अभी जो हमारा प्रीवियस एक वो था एडिटर, जो सबको आपको अपडेट दिया करता था, वो भी अनअवेलेबल है भाई। वो उसने वो अब अपडेट वगैरह नहीं देता है। उसने कह दिया भाई अब मैं अपडेट्स नहीं दूंगा, अब ये मैं दूंगा आपको सारे अपडेट्स। तो मैं बताने वाला हूँ फार्म हाउस पे, आप सभी लोग पूछ रहे थे कि भाई वो उसकी तो एकदम सीरीज रुक गई, उसकी तो एक भी वीडियो ही नहीं आ रही, इतने दिन हो गए, कोई महीना भर, तो उसका क्या स्टेटस है। तो अभी मैं फ्लिप करता हूँ, बैक कैमरा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या अभी यहाँ पे काम हो चुका है अपना। तो यहाँ पे देखिए भाई किस तरीके से यहाँ पे प्लस्तर हो चुका है वॉल्स के ऊपर पूरा। ये हमने से डिजाइनिंग दिवाई थी, जो अभी हमारे मिस्त्री हैं वो परमानेंट यहीं पे उन्होंने रिवाइज कर लिया है। तो वो इनकी वाइफ बच्चे यहीं पे हैं, अभी उन्होंने कल रात को चिकन खा लिया था तो उनको डायरिया हो गया, तो वो अभी वहाँ पे खेतों में बिजी हैं। वो मैं उनसे भी आपको मिलवाने वाला हूँ इस वीडियो में कि उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन दिया, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी। तो ये लोग यहीं पे सोते हैं, तो इन्होंने चूल्हा वगैरह बना लिया अपना, यहाँ पे देखोगे लाइट वगैरह लटका लिया, जिससे अपना तूफानी पंखा वगैरह लग गया, जिससे रात के टाइम पे अच्छा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है अभी आप कहोगे कि भाई ये किस चीज़ का इतना बड़ा मिट्टी का ढेर है। भाई ये मिट्टी का ढेर बहुत बड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे बनाया अपना वाटर स्टोरेज टैंक। अभी ये वो रेन वाटर वाला वगैरह नहीं है, अगर कोई शहरी बंदा देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे तुम लोग बताओ, तुम्हारे होटल में मीठा पानी आता है खारा पानी है? मीठा। तो तुम्हारे वहाँ पे समरसिबल होगा ना, तुम्हारे वहाँ पे लोग ऐसे नहीं खुदवाते होंगे, वैसे कुंडी टाइप होती है ना वो बनवाते। हाँ, तो भाई ये जगह टू जगह वेरी क्या करती है ये सारी चीजें, कि कहीं पे तो जमीन के अंदर होता है मीठा पानी, कहीं पे होता है खारा पानी। तो हमारे यहाँ खारा पानी है, तो मतलब ऐसे हफ्ते में पानी आ गया, दो हफ्ते में पानी आ गया, तीन दिन में ऐसे रहता है। अभी से ये लोग हैं भाई, जहाँ पे अच्छा पानी रहता है ना, वहाँ पे तो आपने बटन दबाया पानी आने लग जाता है, फिर आप ऐश करो, एंजॉय करो, है ना तुरंत क्या। अरे ये भाई बदमाश है, होटल के बदमाश है, इनके बाल वगैरह से देख के आप तो जान सकते हो भाई हेयर स्टाइल होता है ये तो। अच्छा मेरा भी हेयर स्टाइल करो ऐसे, मेरा भी करना करना जरा थोड़ा ऐसे हो जाएगा ऐसे नहीं, ऐसा मेरे को एग्जैक्ट आप जैसा चाहिए। तो भाई इसको ऐसे कर लो ना, हो गया मेरा ऐसा, हो गया छोटे बाल हैं अभी भाई आपके, ऐसे करो फिर। कोई नहीं भाई, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं यहीं ट्रेन गुंडा नहीं हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ये भाई शरीफ आदमी है, देव सौरव इसका नाम है, हमारे मामा का है, फ्रॉम होडल हरियाणा गोड़ोता। गोड़ोता आपके आप पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट बताइए। गाइस डिस्ट्रिक्ट है हमारी पलवल और पिन कोड है 12-11-06। इनको गिफ्ट भेजना गोड़ोता गाँव होडल हरियाणा। चलो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा डेमी सो रहा है। डेमू आजा बाबू, आजा आजा भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है ना गाइस, एक बार अपने फोन में टेम्परेचर दिखाया जाए, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बोलो हे श्री, व्हाट इज द टेम्परेचर भाई? यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, आपको क्या बताएं। पानी इस मटके में भी पूरा उबल उबल के पूरा खटक गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखो, यहाँ पे उबाले मार रहा है। तो इसीलिए डेमी देखो कहाँ पे पड़ा है, कितना हो रहा है, 38। ये आपका फोन गलत दिखा रहा है, सॉरी 38 नहीं है। तो ये चीज मैं दिखाता हूँ, ये भाई बहुत, ये हमने बनवाया है कुआ, ये 4 फर्मा का बना है। ये अभी मैं आपको, हम निकल गए थे ट्रिप पे, इतने में पापा ने पीछे से बनवा लिया है, वरना मैं आपको पूरा दिखाता है कैसे कैसे बना था। जेसीबी आई थी, जेसीबी ने पूरा है बड़ा गड्ढा खोदा था, गड्ढा खोदने के बाद जो हमारा मिस्त्री था उसने, मतलब बहुत ओंडा था भाई ये, तो पहले उसने बेस तैयार करा, जरोड़ा वगैरह गिर के पहले वो गिरा, फिर 4 दिन लगते हैं इसको बनने में, पहले एक फर्मा डाला, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। अभी फर्मा क्या होता है, लोहे का होता है जो उसको शेप देता है, इसके बीच में ये भर दिया जाता है जो कंक्रीट का सामान होता है, उसके बाद ऐसे पूरा हो जाता है। अभी भाई देखो अभी भी थोड़ा सा गड्ढा बचा हुआ है, इसको पूरा जब स्प्रे कर देंगे तो मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई, कभी कभी पानी आता है हमारे गाँव में तो ये तो चाहिए ही चाहिए, जब भी हम बटन दबाएं और अपना वाटर स्टोरेज टैंक बन जाए। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ है, अभी भाई इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, बोरी के नीचे ये आप देखो, यहाँ पे ये कंक्रीट का बन रखा है भाई, ये है इसका ढक्कन, ये इसके ऊपर ढक दिया जाएगा। अब ये ऐसे तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये इसके ऊपर ढक जाता है, इसके ऊपर मिट्टी डल जाएगी, तो ये पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कोई कुआ है, यहाँ पे कोई किसी तरीके का ऐसा वेल वगैरह भी बना हुआ है। तो ये वाला सिस्टम इसके ऊपर जाता है, और ये देखो यहाँ से वो थोड़ा सा चैम्बर वगैरह लग जाता है इसके ऊपर, जिससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे अपना पानी है, और जो अपना मोटर वगैरह के कनेक्शन होंगे वो इसमें हो जाते हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इसको तो इसके ऊपर ही बनवाना चाहिए था, अभी इसके ऊपर इसको नहीं बना सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें सेटरिंग कैसे करेंगे। क्या सब्सक्राइबर कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई? अभी स्टार्ट करा है 1000 सब्सक्राइबर मेरे, 1000।
अभी धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करोगे तो बढ़ते जाएंगे। तो भाई अभी एल्विस यादव का तो बहुत ज्यादा है, एल्विस यादव के भाई बहुत ज्यादा है, 10 मिलियन से प्लस है। चल मैं आपको करूंगा, मुझे अभी तो ले लो इसमें। हाँ ये लो भाई, ये लो भाई, ऐसे ऐसे कर दो भाई। हेलो हाय गाइस, सब कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया है सब। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन, आप राजस्थान का रहने वाला हूँ, सेटरिंग का काम करता हूँ। ये भाई सेटरिंग हटाने आए हैं, मैं अभी भाई के पास अपडेट देने आने वाला था, अभी मैं भाई से और आपको बातें करवाऊंगा, लेकिन भाई का स्टाइल मेरे को काफी पसंद आया। लो गाइस, तो यहाँ पे भाई ये कब खत्म हो गया, और ये भाई यहाँ पे ना इसमें वो डलते हैं, क्या बोलते हैं, सरिया। तो सरिया डलते हैं, अभी लोग बोलेंगे कि इसको ऊपर से आप करवा लो, तो भाई इसमें सेटरिंग होना पॉसिबल नहीं है। आप कैसे करोगे, नीचे से करोगे तो वो हो नहीं पाती, इसलिए बाहर से, कहीं भी आपने देखा होगा ये ऐसे बाहर ही बनता है, फिर इसके ऊपर 10-15 दिन बाद जब ये सूख जाएगा ढंग से, फिर इसके ऊपर इसको रख दिया जाएगा, फिर अपना छुट्टी हो जाएगी। अभी मिस्त्री आ चुका है हमारा, वो आपने देख लिया। अभी देखो भाई, हाँ और ये सेटरिंग हट रही है, अभी इसको 16वें दिन हम लोग हटा रहे हैं, 23 तारीख को इसकी सेटरिंग डली थी और आज ये हटने का काम इसका पूरा हो रहा है। तो अभी देखना, ये देखो ये अजरुद्दीन किस तरीके से ईंट मार रहा है, ये देखो वाह। अब ये देखना ऐसे एकदम से निकलती चली जाएंगे भाई, इससे बोलते हैं डी शटरिंग। शटरिंग हुई थी काफी दिन पहले, लेंटर डल गया, उसके बाद 16 दिन तक इन्होंने कीप सपोर्टिंग करा था, अभी हट जाएंगे, उसके बाद पूरी छत चमकने लग जाएगी, वो मैं भी आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। इसके बाद भाई ये प्लस्तर होगा, इसमें फिर बिजली का कनेक्शन होगा, फिर टाइल बिछेंगी और वो सब पेंट पांट करके फिर हम एकदम मस्त फर्नीचर डालेंगे, यहाँ पे घास घूस लगाएंगे। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे प्लम्बर भी आ चुके हैं, जो प्लम्बर, क्योंकि अब आता है मेन काम प्लम्बर वगैरह का, तो ये देखना किस तरीके से अजरुद्दीन भाई करेगा। अजरुद्दीन भाई कैसे? बढ़िया, बढ़िया बढ़िया करो, अजरुद्दीन भाई को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सारा अजरुद्दीन भाई का स्टाइल करेंगे एक बार, कैसे? ये देखो भाई, बड़ी मेहनत का काम है भाई, ये बहुत रिस्की रहता है, मतलब ये शटरिंग हटाना, क्योंकि ये जो बल्ली सी है ना एकदम से नीचे आती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम कैसे पूरी एकदम से लटक जाती है कई बार। तो ये देखो अजरुद्दीन एक बार में गेर दे भाई, एक बार में देखना अजरुद्दीन एक बार। ठीक है ये भाई देव सौरव बहुत नोटी बो है, ये देखना एकदम आएगी पूरी पूरी लटकेगी भाई, आप सब जुड़े रहें, बने रहें और आप लाइव देखना कैसे होता है। ओ अजरुद्दीन बच गया, ओ नो अजरुद्दीन, भाई देखा आपने कितना रिस्की होता है पूरा सेटरिंग हटाना, जो कि अजरुद्दीन ने कर दिया। और डैमी कैसे हो? इसके मुंह पे भाई मिट्टी लग गई, डैमी के मुंह पे मिट्टी लग गई। मिस्त्री साहब इधर आओ, इधर आओ, सरकार आ गए, ये हमारे मिस्त्री ब्रजेश, इन्होंने पूरा ये बनाया है और इसको ये देखो और अच्छा बनाने वाले हैं। कैसे हो? बस ठीक है जी। डायरिया कैसे हो गया आपको? चिकन इतना क्यों खा लिया? चिकन? अरे खाने की शौक है तो खाया जाएगा। तो फिर इतना क्यों खाते हो कि रोज 8-10 मिनट में खेत में जाना पड़े? कोई बात ना, खेत भी तो अपने ही है, कोई काई की थोड़ी है, तो मैं जाने में डर लगा। क्या बात है, मौज कर दी यहाँ पे भाई, इसने हमारे ब्रिजेश मिस्त्री ने पूरी रिवाइज कर लिया है। तो ब्रिजेश कैसे अब क्या करने वाले हो? सेटरिंग हट चुकी है, सेटरिंग हट जाएगी तो फिटिंग करवा दूंगा, तराई करूंगा, फिर इसके बाद में लिपाई करूंगा। भाई ब्रिजेश ने सारा काम हमारे मिस्त्री ने एक नंबर कर रखा है, सारी चीजें बिना कहे करता रहता है, हर चीज की नॉलेज रहती है। क्यूँ कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के। कितने रुपए फुट में प्लस्तर चल रहा है? 9 में भी चल रहा है, 10 में भी चल रहा है, 12 में भी चल रहा है, जहाँ जैसी बात रहे वैसे हिसाब से चले कर रहे हैं। और जिंदगी में मजे आ रहे हैं? ओ बीवी बच्चे मौज में है, सब मौज में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एप्पल ड्रिंक पिला रहे हैं बच्चे को, ये कौन सा ब्रांड है, कोई नकली ब्रांड है? फिज पिलाया करो असली, असली फिज, कोई दुकानदार दे भाई कहा बनाते हैं। और मेरे को इसका बताइए फर्मा कैसे कैसे बनाया था? फर्मा बनाया जाता है, इसमें फर्मा बना बनाया जाता है। अच्छा, इसमें मसाला बनाओ, फर्मा कस के फिर रोटी गेर दो उसमें। अच्छा, इस प्रकार से बनता है। अब ये ढक्कन इसके ऊपर कब ढकोगे? इस ढक्कन को कम से कम लग जाएंगे 10 दिन। 10 दिन लगेंगे। अब ये सेटरिंग हट चुकी है, इसके बाद क्या करोगे अब ये बताओ? इसके बाद में फिटिंग करवा दूंगा, फिटिंग करवाने के बाद में फिर तराई करूंगा। अच्छा, तराई करने के बाद में फिर इसके बाद में इसकी लिपाई होगी, लिपाई होने के बाद फंस के जाएगा। हमारे चाहने वाले पूछ रहे हैं कब तक रेडी हो जाएगा फार्म हाउस, ये बताओ? ज्यादा 15 दिन।
15 दिन में कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। पेंट पांट करके तो 20 दिन हो जाएंगे, बस कोई टेंशन नहीं भाई, पेंट में तो टाइम लगा। चलो टाइम टू टाइम आपको मिस्त्री से मिलवाते रहेंगे। अब यहाँ पे किचन और बननी है, किचन बनाने अभी ये शाम से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि सेटरिंग कई दे रही थी सेटरिंग हटने की, और यहाँ पे भाई पूरी किचन बन जाएगी उसके बाद आपको दिखेगा। और ये भी अब सेटरिंग हटने वाली है, और यहाँ पे हमने प्लाई की करवाई थी भाई सेटरिंग, तो प्लाई के बाद अब ब्यूटी देखिए कितनी साफ यहाँ पे सेटरिंग निकली है। अब यहाँ पे कोई प्लस्तर कुछ वो सब पीओपी वीओपी करवाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहो तो डिजाइन वाली पीओपी करवा सकते हो, वो भी देखेंगे हमारा क्या मूड बनता है इसमें, फॉल सीलिंग करवाएं क्या करवाएं वो भी टाइम बताएगा। लेकिन उससे पहले भाई हमको तो बहुत अच्छा लगा इनका, इन भाई का काम देखो कितनी बढ़िया इन्होंने सेटरिंग करी, कितना बढ़िया लेंटर डाला देखिए, और ना ही कोई लटका है, सोलवेदिन हटवा रहे हैं तो बड़ा सेफ भी है। ये देखो अजरुद्दीन में कितनी जान है, ये राजस्थानी है तो भाई राजस्थानी में बहुत जान रखती है। ये देखो थोड़ी सी सेटरिंग बच गई, अब अपने ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे और उसमें अपने माल को भर के ले जाएंगे, और ये पेमेंट पहले ही ले जाते हैं अपनी। ये देखो सेटरिंग करवानी हो तो मिले अजरुद्दीन से फ्रॉम राजस्थान इंडिया। नंबर बता दे, नंबर 9050 84 89 57 79 कितना होता है 7957 भाई 9050 49 79 9050 84 79 57 ठीक है भाई, आपने सुन लिया, अजरुद्दीन को कांटेक्ट करना और अजरुद्दीन को खूब पकाना कि आपने वीडियो कहाँ पे देखी थी, आपको कांटेक्ट नंबर मिल चुका है। बस इनसे मेरा नंबर मत मांगना कि उन भाई का क्या नंबर है, किसी को तो सेटरिंग करवानी हो क्या रेट चल रहा है सेटरिंग का 30-32 रुपए फुट भाई, रुपए फुट के हिसाब से 30-32 ले रहे हैं हरियाणा में, सोना गुड़गांव पलवल हरियाणा आप समझ सकते हो कहाँ का, मैं आपको रेट बता रहा हूँ। चलो भाई देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, बहुत भयंकर, अभी सेटरिंग हट गई, अभी हम तालिब अपने मिस्त्री को बुला के यहाँ पे जीरी वीरी कटवा के पहले बिजली का काम करवाएंगे, उसके बाद आपको ब्रजेश से मिलवाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस्तर वाला काम करवा के फिर हम आपको और अपडेट्स देते हैं कि फार्म हाउस कब तक रेडी होता है अपना। बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, बट कोई नहीं भाई, मज़ा आता है जब कुछ आप खुद से बनाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलो वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।